पीएम विश्वकर्मा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए मिलते हैं? आज तक के मुताबिक विश्वकर्मा योजना ताला बनाने वाले हैं, नाई है, मालाकार है, धोबी है, मोची जूता बनाने वाले कारीगर है, दर्जी है, पत्थर तोड़ने वाले हैं या आप खिलौना निर्माता हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना से जुड़ने पर रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? AWBI के मुताबिक वेबसाइट पर पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ तक पहुंचने के लिए ब्राउजर का उपयोग करें। रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अपने विवरण का उपयोग करके पंजीकरण करने के बाद आवेदन पत्र पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या क्या लाभ है? BSHB इनके मुताबिक ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के नागरिक फ्री में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से मात्र 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि 2 चरणों में दी जाती है। फॉर्म भर सकते हैं? BSHB इनके मुताबिक इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय की 140 से भी ज्यादा जातियां के उम्मीदवार पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना। योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। आवेदन करने वाला व्यक्ति या तो कुशल कारीगर या फिर शिल्पकार होना जरूरी है। अभी इसके लिए कौन पात्र है? इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग के मुताबिक विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में परिवार केंद्रित पारंपरिक व्यवसायों में हाथ से काम करते हैं सहायता के लिए पात्र हैं।